दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि ये दुनिया काफी अजीबोगरीब जानवरों से भरी पड़ी है, जिसमें मछलियाँ, कैट्स और डॉग्स की कई अजीबोगरीब प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी। और कई अजीबोगरीब जानवर ऐसे भी हैं जिनसे अभी तक हम अनजान हैं। लेकिन इस दुनिया में बंदरों की भी कुछ ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो दिखने में काफी विचित्र लगती हैं। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी अजीबोगरीब दिखने वाले बंदरों से मिलाने वाला हूं, जिन्हें देखने के बाद आप भी कहोगे कि आखिर ये बंदर कहां थे। तो ये वीडियो आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना। नंबर एक, नाइट मंकी। यह दुनिया का इकलौता ऐसा बंदर है जो रात्रिचर है। यह बंदर रात में उल्लू की तरह जागता है और दिन में आराम करता है। इसकी आंखें बड़ी और नारंगी कलर की होती हैं, जो इनको रात के अंधेरे में चीजों को देखने में मदद करती हैं। ये अपनी बड़ी बड़ी आंखों की वजह से आउल मंकी के नाम से भी जाना जाता है। और ये बंदर रात के समय फल, कीड़े और छोटे जानवरों को खाने के लिए निकलती है। इन बंदरों की फैसिलिटी, इनकी बड़ी आंखें, सपाट गोल चेहरा और ऊनी बाल होती है। नाइट मंकी आपको अमेरिका और अर्जेंटीना जैसे देशों में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में इन बंदरों का जीवन काल 13 से 20 साल का होता है। अब नंबर दो पर है यूकारी मंकी। ये बंदर ब्राजील और पेरू के अमेजन नदी के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। इस बंदर के पूरे शरीर पर बाकी बंदरों की प्रजाति के मुकाबले काफी घने बाल होते हैं, लेकिन इसके सिर पर एक भी बाल नहीं होता है। इसी वजह से इसे वाइल्ड यूकारी के नाम से भी जाना जाता है। इन बंदरों की एक खासियत और होती है कि इनका चेहरा पूरा लाल होता है। यूकारी मंकी खाने में फल, फूल और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। साथ ही में इनका जीवन काल लगभग 20 साल का होता है। अब नंबर तीन पर है मैंड्रिल मंकी। अगर आपने जुमांजी मूवी देखी है तो उसमें आपने इस बंदर को जरूर देखा होगा, जिसमें इस बंदर की एक लंबी पूंछ दिखाई गई है, लेकिन असलियत में इनकी पूंछ बहुत ही छोटी होती है। इन बंदरों की एक खासियत होती है कि इन बंदरों का मुंह बाकी बंदरों से लंबा होता है। साथ ही में इस बंदर के मुंह पर सफेद और लाल रंग की धारियां भी होती हैं, जिसकी वजह से ये बंदर दिखने में काफी विचित्र लगता है। इस बंदर के मुंह पर ये सफेद और लाल रंग की धारियां होने की वजह से ये ऐसा लगता है जैसे ये किसी कबीले का सरदार हो। मैंड्रिल मंकी दिखने में बहुत खूंखार लगते हैं जब ये अपना मुंह खोलते हैं और इनके धारदार नुकीले दांत दिखाई देते हैं। लेकिन आपको इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते हैं और ये इंसानों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। अब नंबर चार पर है कॉकरेल सेफाका। मेडागास्कर के नॉर्थ वेस्ट जंगलों में पाए जाने वाला ये बंदर काफी अजीब होता है। व्हाइट एंड ब्राउन कलर की बॉडी इन्हें बाकी बंदरों से अलग बनाती है। साथ ही में ये अपनी बॉडी की वजह से भी बाकी बंदरों की प्रजातियों से अलग दिखती है। इनकी एक खासियत होती है कि ये बंदर अपने दो पैरों की सहायता से 30 फीट लंबी छलांग लगा लेती है और ये बाकी बंदरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह तक पेड़ों को पकड़ती हुई छलांग लगा लगा कर चले जाते हैं। अब नंबर पाँच पर है टार्सियर। ये एक छोटा बंदर होता है जिसकी लंबाई लगभग 9 से 16 सेंटीमीटर होती है और इनकी पूंछ इनकी लंबाई की दुगनी होती है। ये अपनी लंबी उंगलियों की वजह से झपट्टा मारकर कीड़े मकोड़ों और छोटे साइज वाले पक्षियों को पकड़ने की कैपेसिटी रखता है। साथ ही में ये बंदर चुपचाप से शिकार करने के लिए भी जाना जाता है। इस बंदर की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और ये बंदर अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले बंदर जिनके बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाला था। तो अगर आप इन बंदरों के बारे में कुछ कहना चाहते हो मुझे कमेंट में बताएं, और साथ ही में इनमें से आपको सबसे विचित्र बंदर कौन सा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही में दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो वीडियो आ रही होंगी, तो उसमें से आप चाहे तो राइट वाली भी देख सकते हो या फिर लेफ्ट वाली भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।